किस तरीके से। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। मिशन महाराष्ट्र पर है पीएम नरेंद्र मोदी, नासिक पहुंचे हुए हैं और यहां की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इसमें आप लोगों का उत्साह, लोगों का अभिवादन आप देख सकते हैं। ये देखिए काफी संख्या में जो इस रोड शो में कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र की जनता, नासिक की जनता कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये महाराष्ट्र दौरा कई विकास सौगातों को समेटे हुए है। एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जो भारत को एक अलग मानचित्र पर अंकित करेगा। आज सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये महाराष्ट्र में एक बड़ी सौगात है। ये जो दो हिस्सों को जोड़ने वाला पुल होगा ये 2 घंटे के रास्ते को 20 मिनट में तब्दील करेगा। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा आप देखें तो कई और सौगातें हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव रोड शो के आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उस रथ पर आप महाराष्ट्र सरकार के भी कई नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं इसमें। और ये तस्वीरें जिसमें आप देखें कि कैसे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं या शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता हैं, स्वागत खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस रथ पर सवार हैं। और ये जो पूरा रोड शो है वो आगे बढ़ता हुआ, लोग किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं फूलों के साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लंबा रोड शो, पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम आज का बेहद व्यस्त और कई सारी ऐसी सौगातें हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की जनता को लाभान्वित करेंगे, मुंबई की जनता को लाभान्वित करेंगे। अटल सेतु नवी मुंबई को जोड़ेगा, इसके अलावा नवी मुंबई में कई परियोजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। इसके बाद 4:30 बजे का तकरीबन वक्त होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ये देखने वाली बात है। पीएम के दौरे को लेकर यह कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है और आने वाले वक्त में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है, महाराष्ट्र की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी है, तो ऐसे में यह दौरा उस लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी नासिक पहुंच चुके हैं और उनके ये रोड शो की तस्वीरें, 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में 12:15 पर वो करेंगे। इसके अलावा HTML का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी को करना है। अटल सेतु से नवी मुंबई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो 3:15 का वक्त होगा। फिर उसके बाद 4:15 पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें पीएम सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम का पूरा कार्यक्रम क्या है और रोड शो को लेकर और क्या खास देख पा रहे हैं? देखिए, रोड शो की बात करें तो पीएम मोदी की झलक पाने के लिए सड़क पर पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और ये खास तौर से राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो इसके पहले उन्होंने उद्घाटन किया था उसके बाद अब वो यहाँ पर ये रोड शो कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नासिक से फ्लाई करके मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई में जो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु, इसका उद्घाटन करके इसे देश को सौंपेंगे। इसके बाद नवी मुंबई के एक कार्यक्रम में जाकर के वो तकरीबन 30,500 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो इसमें कई सारे जो लोगों को दिए जाने वाली जो सुविधाएं हैं, नई नई जो स्कीम्स हैं, नई जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने का आज का कार्यक्रम है। तो इसके बाद शाम के 6 बजे जो है प्रधानमंत्री वापस मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी जो रोड शो की जो तस्वीरें आ रही है निश्चित तौर पर बीजेपी को कितना जन समर्थन है, प्रधानमंत्री मोदी की कितनी फैन फॉलोइंग है। राकेश, एक चीज और इस रोड शो में दिख रही है, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। ये दरअसल एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि जो सहयोगी दल है उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साथ लेकर चलती है। निश्चित तौर पर ये हमेशा से ही देखा गया है कि चाहे किसी भी राज्य में अगर जहां पर गठबंधन की अगर सरकार है बीजेपी की तो वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो अपने सहयोगी दलों को साथ में लेके जाता है, वही तस्वीर आज महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है। खास तौर से अजीत पवार जो इस जो ये महायुति की जो सरकार है इसमें सबसे आखिर में शामिल होने वाले उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो तवज्जो जो दी जाती है जो प्रोटोकॉल के तहत भी जो दी जाती है दोनों ही डिप्यूटी सीएम उनके लिए बराबर सी वहां पे तवज्जो है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को
लगातार उनकी जो तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और खुद एकनाथ शिंदे की तरफ से भी हमेशा से ही मोदी जी के आशीर्वाद की बात हमेशा कही जाती रही है महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र के जो नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर के। और वही जो तस्वीर है वो आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर जो तस्वीर है ये यहाँ पर इंडिया अगाड़ी जो इंडिया अलायंस की जो टीम है, खासतौर से उद्धव ठाकरे शरद पवार की जो टीम है, उनके लिए जो ये काफी चिंताजनक तस्वीर हो सकती है। ये तस्वीर उन्हें ना पसंद हो सकती है, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को जनता पसंद करते हुए नजर आ गई। राकेश, कितना लंबा ये रोड शो है और उसके बाद के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम क्यों खास है? क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे या जो हमने अब तक दर्शकों को बताया कि यहाँ पर कई विकास योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस रोड शो के बाद खासतौर से नासिक में एक कालाराम मंदिर है जो कि बहुत ही यहाँ का एक प्रख्यात मंदिर है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाकर के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के दर्शन को लेकर के भी विपक्ष जो है वो इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अभी आज संजय राउत ने ये बयान दिया था कि चूंकि उद्धव ठाकरे जो है 22 तारीख को कालाराम मंदिर में जाने वाले हैं, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसीलिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐन मौके पर ये प्लान प्रधानमंत्री का बनाया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये उनके पहले शेड्यूल में ये चीज शामिल थी, तो आज वो कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे, यहाँ पे नासिक में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मुंबई आएंगे, मुंबई में जो देश का सबसे लंबा जो समुद्री ब्रिज है उसका उद्घाटन करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी। और उसके बाद जो तकरीबन 30,000 करोड़ की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसको उस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। राकेश, 4:30 बजे जो वक्त बताया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या ये माने कि लोकसभा चुनाव की तैयारी या प्रचार का अभियान शुरू कर देंगे पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लिए? निश्चित तौर पर एक तरीके से महाराष्ट्र में जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से जो रेलवे परियोजनाएं हैं वो अगर राष्ट्र को समर्पित करने की बात हो या अलग अलग परियोजनाओं की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले जनता को मिलने वाला एक तोहफा है, एक नई सौगात है। और इसको जो है आप चुनाव के ठीक पहले उनकी किसी कैंपेन की शुरुआत के तौर पर जो जानकार वो बताते हैं। देखना ही होगा कि आज जब वो जनसभा को जब एड्रेस करते हैं तो वो किन किन विषयों पर बातचीत करते हैं। क्या वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो है, साथ ही साथ क्या वो राष्ट्र में देश में जो इस वक्त जो राममय माहौल है उसको लेकर के कहते हैं? विपक्ष को क्या जवाब देते हैं? जनता को क्या संदेश देते हैं? चुनाव में उन्हें किस तरीके से पार्टी को चुनना है और बीजेपी की क्या विचारधारा होगी आगे, किस तरीके से वो चुनाव में उतरेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, इस पर आज सभी का ध्यान होगा। राकेश, इस दौरे पर नजर बनी हुई है, एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। ये पीएम नरेंद्र मोदी के नासिक में निकल रहे रोड शो की हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा जन समर्थन प्रधानमंत्री के लिए है।